नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अजय शास्त्री जी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकअप क्यों होता है, ब्रेकअप क्यों होता है और ब्रेकअप के बाद अपना प्यार कैसे वापस पाएं। दोस्तों, आखिर क्यों होता है ब्रेकअप, रीजंस फॉर ब्रेकअप, ब्रेकअप क्यों होता है, व्हाई ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद अपना प्यार वापिस अपनी जिंदगी में कैसे पाएं। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या करें और क्या ना करें कि आपका प्यार वापिस अपनी आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आए और आप जान भी जाएं उस वजह को जिस कारण आपका ब्रेकअप हुआ है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आज यही उठता है कि ब्रेकअप क्यों होता है और ब्रेकअप के बाद अपना प्यार वापस कैसे पाएं। तो दोस्तों, रिलेशनशिप के दौरान दो लोग आपस में एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं कि अलग होना मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन फिर एक दूसरे की कई आदतों के कारण झगड़े होने लगते हैं जो धीरे धीरे ब्रेकअप की तरफ ले जाते हैं, जो ब्रेकअप का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, पार्टनर को ताने मारना रिलेशनशिप को कमजोर करता है, खासकर अगर ये ताने बहस के दौरान या पार्टनर की गलती पर रोज रोज मारे जाते हैं तो झगड़ा बढ़ भी जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ब्रेकअप के बाद अपना प्यार वापिस पाना, रिलेशनशिप के दौरान दो लोग आपस में दोस्तों इस तरह जुड़ जाते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की कई आदतों के कारण दूर हो जाते हैं, रिश्ता बोझिल होने लग जाता है और जब ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता तो ज़्यादातर लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। कई बार कोई रिश्ता, कमिटमेंट की कमी या फिर दोनों पार्टनर में से किसी एक की दिलचस्पी न दिखाने की वजह से भी टूट जाता है। हम आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने प्यार को वापस पाना तो सबसे पहले आपने ब्रेकअप के उन कारणों को जानना होगा जिसकी वजह से आपका जीवन साथी आपसे दूर चला गया है। दोस्तों, पार्टनर को मैंने बताया था आपको पहले ही, पार्टनर को ताने मारना रिलेशनशिप को कमजोर करता है। अगर आपका पार्टनर बहुत पेशेंस वाला है तो भी इस तरह की बातें रिलेशनशिप में जहर का काम करती हैं। अगर आपका पार्टनर कोई गलती करता है तो उसे गलती का एहसास कराएं, न कि बार बार एक बात को दोहराते हुए ताने मारें, ये गलत है। माना कि अपने पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बार बार उसकी बात करके अगर आप उसे शर्मिंदा महसूस कराएंगे तो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरह है बार बार पीछे की गलतियों को दोहराना आपके पार्टनर को फ्रस्ट्रेट कर लेगा और जिस दिन उनके सब्र का बांध टूटेगा उस दिन आपकी संबंधों के बीच ऐसी दरार आएगी जिसे भरना नामुमकिन होगा। इसलिए अपने जीवन साथी की पिछली गलतियों पर बात करने से बचें। अगर आप अपने पार्टनर को अपने दिल की पूरी बात नहीं बता रहे तो ये उम्मीद भी न करें कि वो आपसे सभी बात शेयर करेगा। सभी मुद्दों पर खुलकर शांत दिमाग से बात न करना या कम बात करना आपस में दूरियां बढ़ाता है।
हालांकि जरूरी नहीं है कि विषय पर आप पार्टनर से बात कर रहे हैं उसका समाधान अभी होना चाहिए, लेकिन खुलकर बात करना जरूरी होता है। आप फिलहाल जिस रिलेशनशिप में हैं उसे पहले वाली आपकी रिलेशनशिप के बारे में आपके मौजूदा पार्टनर या पति को या पत्नी को पता है तो ये अच्छी बात है। हालांकि अगर आप रोज़ उन्हें अपने एक्स की क्वालिटी गिनवाएंगे या बार बार उसका जिक्र करेंगे तो उससे पार्टनर को इरिटेशन होगा, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ेगा। ये उनके लिए है जो शादीशुदा है और आपका जीवन तलाक तक पहुंच जाएगा। किसी भी रिश्ते की सबसे अहम बुनियाद होती है भरोसा। ऐसे में अगर कोई पार्टनर इसी भरोसे को तोड़ दे और रिलेशनशिप से बाहर भी किसी के साथ रिश्ता रखे तो यह मामला सीधे तौर पर चीटिंग की कैटेगरी में। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपना प्यार वापिस पाना, अगर आपका ब्रेकअप हो भी गया है, आप चाहते हैं किसी न किसी तरह, चाहे आप तरीके मान लो इसको दोस्तों, या वशीकरण टोटका लगा लो, या वशीकरण विधि मंत्र जो भी, अगर किसी न किसी तरह आपका प्यार वापिस आ जाए तो इससे अच्छा हो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने प्यार को वापिस पाना, अपने खोए हुए प्यार को वापिस अपनी जिंदगी में लाना, अपनी बाहों में लाना, अपने साथ लाना, फिर वही खुशी के पल बिताना, तो समय ना गवाते हुए एक बार हमारे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। और दोस्तों, हम आपके लिए 24 घंटे में नई वीडियो लेकर आएंगे, खोया प्यार वापिस पाने का मंत्रा, वशीकरण मंत्रा या काला जादू से प्यार कैसे पाएं। तो आप देखने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं इसमें दूसरी वीडियो अपलोड करूं और उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप, पिंट्रेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अपने प्यार को वापस पा सके और ब्रेकअप से बच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।